हेलो इंटरनेट, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने स्लैब पे यहाँ एक पॉलीथीन बिछाई है ताकि जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली स्लैब या सीमेंट या जो भी वहाँ पे लोहा है उसे डायरेक्टली कनेक्शन में ना रहे। और ये मैंने कुछ जो बोरे होते हैं अपने जूट के, और ये जूट के बने हुए बोरों में मैंने यहाँ पे ढके हैं और इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ तो ये कंडेंसेशन का, एयर कंडेंसेशन का काम करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एयर फ्लो होगी, सर्कुलेट होगी इनके ऊपर से, वैसे वैसे ये ठंडे होते जाएंगे और ठंडे होने के बाद जो मेरा पूरा रूफ़ है वो ठंडा होगा। इसके नीचे जो फ़ैन है वो गर्मी नहीं फेंकेगा नीचे, तो उस वजह से जो इंटरनल टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा आउटर टेम्परेचर से कम रहेगा। तो मैंने जो रिसर्च की है उससे पाया है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 8 डिग्री सेल्सियस तक का जो डिफरेंस है वो रहता है। तो ये आपके रूम को 8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रख सकता है। कंडीशन ये है कि जो एनवायरनमेंट में एयर सर्कुलेशन है वो अच्छा फ्लो, जो एयर सर्कुलेशन का फ्लो है वो अच्छा रहना चाहिए ताकि यहाँ एयर कंडेंसेशन अच्छी हो। तो यही है आज का वीडियो। अगर आप ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, अगर आप भी चाहें तो इसे ज़रूर प्रैक्टिकली अपने घर में गर्मी से बचने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने जो पिछले साल का बचा हुआ लकड़ी का बुरादा होता है, बुरादा नहीं कहेंगे इसको, हमारे यहाँ इसको खस कहते हैं, तो ये भी डाला है ताकि कूलिंग पर्पस के लिए काम में आए। और ये जो पानी है ये मैं डाल रहा हूँ, ये जैसे जैसे भरेगा गीला होते होते सारे एरिया में फैल जाएगा, और जहाँ नहीं फैलेगा उसे मैं बकेट से पानी दे दूँगा। तो बस एक बार, मतलब दो दिन में एक बार आपको इस तरह से पानी देना है और अपना रूफ़ ठंडा रखना है। अगर आप इस तरह के बोरे नहीं रखते हैं तो जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा आपके रूफ़ पे। उस वजह से, रेडिएशन के वजह से वो डायरेक्टली टेम्परेचर उसका राइज़ होगा, और रेडिएशन के वजह से जहाँ पे हीट होगी वो ट्रांसफ़र होगी नीचे नीचे, और उस वजह से, मतलब आप पानी भी डालो और ये इस तरह का सिर्फ पॉलीथीन लगा के पानी डालो तो फ़ायदा नहीं होगा। आपको इस तरह के जूट के बोरे लगाने ही पड़ेंगे, या थर्माकोल लगाइए या कुछ इस तरह से हो, या लकड़ी का बोरादा हो या पेड़ों की पत्तियाँ हो, कुछ भी, मिट्टी हो, मिट्टी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी एक अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं और अपने रूफ को ठंडा रख सकते हैं। तो ये मैंने फिर से जूट के बोरे लाए हैं और इनको यहाँ जो भी गैप है इनको फिल करने के लिए, और इन मिट्टी पे ढकने के लिए जहाँ पे मैं सीड्स लगाऊंगा, सीडलिंग के लिए भी, मतलब मॉइस्चर मेंटेन रहे मिट्टी के अंदर का। तो ये मेरा प्लान है, इन जूट के बोरों का इस्तेमाल वहाँ करूँगा। तो देखते हैं आगे के वीडियो में।